Joining us right now is former Maharashtra Chief Minister and BJP leader Devendra Fadnavis. You know, the Prime Minister has given a slogan saying Parivartan nahi, but asal Parivartan chahiye. You think Bengal is prepared for the asal Parivartan? What is the sense you are getting because you've been on ground? जी, जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही है वो बिल्कुल सही है। देखिए, एक होता है राज का परिवर्तन, एक होता है समाज का परिवर्तन। हम राज नहीं, समाज बदलना चाहते हैं। और समाज के परिवर्तन का अर्थ होता है समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जो किसान है, जो भूमिहर मजदूर है, जो हमारा छोटा छोटा काम करने वाला व्यक्ति है, जो हमारी तरुणाई है, ये सबके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। तो बंगाल में उसी प्रकार का परिवर्तन हम करना चाहते हैं और यहाँ की जनता उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। जिस प्रकार से मोदी जी के लिए जनता के मन में एक भावना दिखाई पड़ती है, बीजेपी को यहाँ पर सत्ता में लाने की लालसा दिखाई पड़ती है, तो मेरा विश्वास है कि बंगाल में परिवर्तन होगा। पर अभी भी कहा जा रहा है कि इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर, कल दीदी ने बार बार कहा है कि हम बाहर वालों को नहीं आने देंगे और बंगला नीचे में ले जाएंगे, मतलब बंगाली अपने खुद की लड़की को मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं। बिल्कुल, सन ऑफ द सॉइल ही मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, बंगाल से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई बाहर से आकर नहीं बनेगा। भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी तो सबसे बड़े बंगाल की पार्टी है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे संस्थापक है भारतीय जनता पार्टी के, और वो बंगाल से थे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अब बरगलाने वाली बातें, भटकाने वाली बातें दीदी के ध्यान में आ गया कि अब लोगों का समर्थन नहीं है और वो समर्थन बीजेपी की ओर जा रहा है, तो वो इस प्रकार की बातें कर रही है। अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जो भी बनेगा बंगाल की धरती में पैदा हुआ यहाँ की राजनीति करने वाला ठेठ बंगाली ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगा। तो आप ये कहती है कि आपने महाराष्ट्र में शरद पवार के खिलाफ ईडी किया, यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ आप सीबीआई करें, ये सब बंगाल में नहीं चलेगा, पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं चलेगा। पॉलिटिकल वेंडेटा की बात ही नहीं है, अगर किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है तो एजेंसी अपना काम करती है, इसका कोई राजनीति से संबंध नहीं। राजनीति की बात करें, महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, फडणवीस जी ये कहना वहाँ की सरकार का कि मंदिरों के खुलने के कारण उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे बड़ा हास्यास्पद और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। देश के सारे राज्यों में मंदिर खुले और महाराष्ट्र से पहले खुले, वहाँ केसेस नहीं हुए। और महाराष्ट्र में बार चलते, होटल्स चलते, डांस बार भी चल रहे हैं और उससे केसेस नहीं बढ़ रही है, केसेस बढ़ रही है मंदिरों से। कौन सी सरकार है भाई? आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार बहुत चिंता की बात है, यहाँ पे लॉकडाउन भी लगने लगा है कई जगह पे, चलते कहीं समर्थ नहीं है, बिकॉज़ आप खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप जानते हैं कि किस तरह की बात है। देखिए, चिंता की बात तो है, महाराष्ट्र में आंकड़े जैसे बढ़ रहे हैं, पर मेरा उस पर सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में ही इतने आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? आज देश में सबसे ज्यादा अभी तक कोरोना के मरीज महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र से, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कहीं ना कहीं विचार या आत्मचिंतन मुख्यमंत्री करेंगे या नहीं करेंगे? आपको लगता है कि राजनीति के ऊपर सोचना चाहिए कोरोना जैसे मामलों को लेकर? 100% राजनीति से ऊपर सोचना चाहिए, इसीलिए हमने सरकार को हमेशा साथ दिया। इतना ही नहीं, सरकार के लोग रोज आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर मोर्चा निकाल रहे हैं। हमने बहुत बड़ा आंदोलन बिजली के खिलाफ रखा था, मुख्यमंत्री के आह्वान पर बीजेपी ने अपना आंदोलन पोस्टपोन कर दिया। हम तो सरकार को साथ दे रहे, लेकिन सरकार के लोग ही नहीं दे रहे। देवेंद्र जी असल परिवर्तन के नारे दिले हैं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने, की माहित है, क्या माहित है, मतलब लगता है कि होगा असल परिवर्तन? याचा अर्थ असा है कि राज नाही, समाज बदलायचा, आणि समाज बदलायचा याचा अर्थ समाजातल्या शेवटच्या माणसाच्या जीवनात परिवर्तन आणायचं, आणि जे माननीय पंतप्रधानांनी देशात करून दाखवलंय आणि ममता दीदींनी इथे थांबवलंय, त्यामुळे निश्चित इथे असल परिवर्तन होणार आहे। आणि पॉलिटिकल वेंडरचा चार्ज केलाय ममता बॅनर्जी तुमच्या पार्टीवर? जेव्हा निवडणुका असतात त्यावेळेस असे चार्जेस लावलेच जातात। ज्यावेळी एखादी चूक झालेली आहे, घोटाळा झालेला आहे, भ्रष्टाचार झालाय, त्याच्याविरुद्ध एजन्सीज काम करत असतात, राजकीय काय आहे, एजन्सीजनी काम आपलं केलेलं आहे, त्यामुळे जर काही केलं नसेल तर घाबरण्याचं कारणही नाही आहे। काही काही परिस्थिती मुंबईमध्ये महाराष्ट्रामध्ये खूप कोरोनाचे केस वाढले आहे, काही काही सांगितलंय आपली तुम्ही, म्हणजे यू हॅव बीन द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, द महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटचे हँडलिंग कशा प्रकारचे आहे? मला असं वाटतं की महाराष्ट्र सरकारने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे। देशात सर्वात जास्त केसेस महाराष्ट्रात, सर्वात जास्त मोती महाराष्ट्रात, ही परिस्थिती महाराष्ट्रात काय हे एकदा कुठेतरी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे।
लास्ट क्वेश्चन टू यू, राम मंदिर जो झंडा घेना होते सहमत बोलना है कि दैट इज अ हफ्ता वसूल, असं आहे की ज्यांना हप्ता वसुली करायची सवय आहे त्यांना दान काय असतं समजणार नाही, त्यांना लोकांची मानसिकता देखील समजू शकत नाही आणि लोक स्वतःहून समोर येऊन पैसे देतात हे त्यांना माहितीच नाही कारण त्यांनी वसुलीच केली आहे, त्यामुळे जे वसुली करतात ते जसं बोलू शकतो. थँक्यू सो मच फॉर टॉकिंग.